मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्मदिवस के उपलक्ष पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगहों पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मंडी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हवन कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दीर्घायु की कामना की गई। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष पर उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं इस अवसर पर मंडी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी हवन यज्ञ किया गया। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के जन्म दिवस के ऊपर आज एक हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह भोलेनाथ जी का एक त्रिमुखी मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का हिमाचल प्रदेश में एक अपना ही विशेष महत्व है। यह मंदिर पूरे देश में त्रिमुखी जो मूर्ति यहाँ पे है उस हिसाब से यह मंदिर पूरे देश में बहुत कम संख्या में यह मंदिर है। आज हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन सेवा के रूप में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आज हम उनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का विकास इसी तरह करते रहे। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो है हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का कल्याण करें, वो हितकारी योजनाएं चलाएं। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और विशेष रूप से मंडी जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई रणवीर जी इस कार्यक्रम में रहे। इसी तरह से अन्य कार्यक्रम जोगिंद्रनगर मंडल जो है वो फल वितरण, कई जगह सफाई के कार्यक्रम, सफाई ऐसे कई सेवा के रूप में जो काम कर सकते हैं, ऐसे कई कार्यक्रम जो है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। मैं एक बार भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंडी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी को उनके जन्म दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ।